हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और बताइए, फाइनली हम लोग पुणे में पहुंच चुके हैं और पुणे में आए हुए हमें ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला और काफ़ी टाइम हम इधर उधर। हम आए हैं पुणे के बहुत पुराने वाले गार्डन पे, जो मतलब ये पुणे में वाकड़ में ये गार्डन है और वेणुनगर, इस जगह का नाम है वेणुनगर। उस गार्डन में हम आए हैं अभी। और इधर का मेन खासियत ये है, हमें खाने था इधर का फेमस है भेल पूरी। रात में इतने सारे लगे थे तो हमने बोला, इन्होंने बोला कि चलो उधर ही जाते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। तो हम लोग मतलब भेल पूरी खाने के लिए इधर इस गार्डन पे आए हुए हैं। तो अभी हम खाएंगे थोड़ी देर में भेल पूरी आता है, तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं। तो शाम के टाइम पे हम भी यहाँ आया करते थे, मॉर्निंग में आते थे, वॉक करने आते थे। वो काफ़ी अच्छा गार्डन है, बढ़िया लगता था इधर। तो हम लोग तो ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे अभी यहाँ पे, हम जितना घूमेंगे उतना आपको दिखाएंगे वीडियो। और उसके बाद हम चले जाएंगे पानीपुरी वाले के पास। तो और हम सुबह सुबह 4 बजे भी आते थे इधर ठंडी के लिए। टाइम में ही रहता है, बिल्कुल कसम से, इतना सुकून मिल रहा है ना, बताने से मजा आ रहा है। 7 साल पहले जहाँ आते थे, आज 7 साल के बाद उस जगह पे आए हैं। तो ये रहा हमारा 7 साल का। वो बोला मेरे उधर आओ, वो बोला मेरे उधर आओ, और एक ने तो ऐसा कर दिया आंटी ने, तो बोल दी है चाय पानी। मैंने बोला चाय पानी नहीं, इधर का उनका मतलब फेमस वो रहता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में खाने का पूरी बनाते हैं, पुलन पूरी। इधर पुलन पूरी बनाते हैं, तो हम लोग आज शाम को वही डिनर करने वाले हैं, पुलन पूरी। तो अभी जब तक हम चखने के लिए खाएंगे भेलपूरी, अभी तो भेलपूरी है चटपटा, अभी भैया थोड़ा तीखा चटपटा वाला बनाओ। मैडम को बहुत पसंद है, मैंने कहा यहाँ आए हैं तो भेलपूरी खा के ही जाएंगे। ऐसा है, कसम से यार, अच्छा रहा हमारा गोवा का सफर। गोवा से हम लोग पुणे में आ चुके हैं और हमारी एंट्री तो हो चुकी थी पर हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए। पहले हम रुके थे वागुली में, हम रुके थे वागुली में और उसके बाद हम आ जाए हैं वाकड़। ये वाकड़ है, जगह का नाम है वाकड़। तो अब हम जाने वाले हैं पानीपुरी वाले के पास, देखते हैं जी। जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो आ सकता है भैया पानीपुरी वाले के पास। ये रहे आपको दिखाने वाले हैं पानीपुरी वाले भैया। अभी उनसे देखते हुए बात करता हूँ। भैया हम लोग 7 साल पहले यहाँ पे आते थे, 7 साल पहले इस जगह पे आते थे और 7 साल के बाद आ जाए हम लोग। और हम इधर आए तो हमने कहा वहाँ जाके हम पानी पूरी खाएंगे। तो सोचो आप, चटपटा भेलपूरी बना देने के लिए इनको मैडम को चाहिए। हाँ, उनको ऐसा चटपटा बना दो कि इनके बाद में आएंगे तो फिर याद आए इनको, जब भी आएंगे। अभी हम लोग सारे घूमने के लिए आए हैं कब्स। आप कहाँ से हो? अच्छा, ग्वालियर से हो। और वो एक भैया वो एक राजस्थान के थे पहले यहाँ पे। हाँ, एक राजस्थान के भी लगा देते हो। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ लगा देते हो। दोनों हस्बैंड वाइफ लगाते थे ना। तो ये है दोस्तों यहाँ का फेमस भेलपूरी, हम लोग खा रहे हैं। तो फुली लगा दो, है ना। तो हम मज़ा लेने वाले हैं भेलपूरी का। अब जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है आ जाओ, वेलकम आपका पुणे के भेलपूरी में। लेट देखना।
पानीपुरी की मेल वाह, रेडी हो चुकी है अपनी भेलपुरी। वाह, पूरा प्लेट भर के एकदम। इधर पास मत आओ ना, तभी तो मैं एकदम पास क्यों आ रहे हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। हैं? 7 साल पहले जो खाया था और अब खाने में कैसा लग रहा है? वही है। सही में? आम भी है। वही स्वाद है। कैरी छोटे छोटे। यार तो मुंह में पानी आ रहा है आप तो आप लोगों के। मजा आ गया। शायद इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, एक प्लेट और। शाम को खाना भी खाना है, पुलन पूरी खानी है। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का भेलपुरी, और मैं यहाँ का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा देखो गार्डन का बाहर का जो कुछ इस तरह है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो आप भी एंजॉय कीजिए और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ भेलपुरी का। ये देखिए पूरा महाराष्ट्रन फूड, मैं आपको एक एक करके नाम भी बताऊंगा। आज हमारा एंजॉय होगा पूरा महाराष्ट्रन फूड का। अब ये तो पुलन पूरी हो गया ना। हाँ। और ये इसका नाम क्या भाभी? भजी, भजी बोलते हैं। किस चीज की भजी? दाल, उड़ी दाल, चना दाल। चना दाल की भजी हो गया। और ये तो आपको पता ही है पापड़। और पापड़ भी पता है, दो दो किस्म के पापड़ है। देखो ये पापड़ ये अलग है और ये अलग। ये दाल का एक पापड़ होगा ना शायद, वह उड़ी दाल पापड़। और ये है यहाँ की, ये है आमटी, ये देखिए के साथ जो खाते हैं। ये है उसके बाद ये बना है आमरस, इसका नाम आमरस। और ये कड़ी और ये चावल। आमरस बोलो तो आम का पूरा अंदर का। हाँ, ये आम का है। और हम लोग पूरा साथ में मिलके ये बैठे हैं। ये बैठे हैं तुम्हारे बबली जी, बबली कांडपाल, जिसके ब्लॉग से मैं अभी ऑनलाइन आया हूँ आपको मना रहा हूँ। ये है बबली कांडपाल। तो पूरा आज बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र फूड का। ये दोनों बच्चे बैठे हैं और भाभी बैठी है। भाभी ने बना रखी है पूरा, साथ में भैया है, ओम है। देखो तो हम लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी इंजॉय करो, बहुत अच्छा खाना। और आज मतलब ये 7 साल के बाद मिलेगा हमें ये खाने के लिए।